अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 अंडरस्टैंड करेंगे जीएसए 2018 पेपर का। इसमें है कि पुलिस ऑफिसर आर इन परसू ऑफ अ स्टोलन व्हीकल, ऑफिसर बेकर इज़ डायरेक्टली बिहाइंड द स्टोलन कार, ऑफिसर लोपेज इज़ बिहाइंड बेकर, ऑफिसर ओ मेले इज़ बिहाइंड लोपेज, ऑफिसर रीन हर्ट इज़ अहेड ऑफ द स्टोलन कार एंड कमिंग फ्राम द अपोजिट डायरेक्शन। ऑफिसर रीन हर्ट मेक्स अ यू टर्न एंड जॉइंस द परसू। He pulls in behind Officer Lopez. Officer Baker pulls on the driver's side of the stolen car and Officer Lopez pulls on the other side. Which officer is directly behind the vehicle? अब given conditions के हिसाब से हम एक जो है वो स्केच बनाएंगे जहाँ से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि which officer is directly behind the car. Let's draw the diagram in accordance with the given situation. This is the gap between two roads. ये आपका राइट साइड पे है रोड, ये लेफ्ट साइड का रोड है। अब जो है यहाँ पे आपका है स्टोलन कार, और यहाँ पे है पुलिस ऑफिसर्स आर इन परसू ऑफ व्हीकल। ऑफिसर बेकर, बेकर के लिए हम बी लिखते हैं, बेकर इज़ डायरेक्टली बिहाइंड द स्टोलन कार। ऑफिसर लोपेज इज़ बिहाइंड द बेकर। अब लोपेज जो है वो यहाँ पर है, इसके लिए हम एल लिखते हैं, लोपेज डायरेक्टली बिहाइंड द बेकर। ऑफिसर ओ मेले इज़ बिहाइंड लोपेज। अब ऑफिसर जो ओ मेले है वो लोपेज के पीछे है, इसके लिए ओ डैश हम लिखते हैं, लोपेज। ऑफिसर रीन हर्ट इज़ अहेड ऑफ द स्टोलन कार, तो वो रीन हर्ट जो है वो अहेड है एंड कमिंग फ्राम द अपोजिट डायरेक्शन, तो वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। लेट्स से जो रीन हर्ट है वो दूसरे साइड से आ रहा है इस तरफ। ऑफिसर रीन हर्ट मेक्स अ यू टर्न एंड ज्वाइंस द परसू। अब ये यहाँ से जो आके यहाँ पे यू टर्न लेता है। He pulls in behind the officer Lopez. यहाँ से यू टर्न लेके जो है वो लोपेज के पीछे आता है। अभी ये कौन आ गया यहाँ पे, रीन हर्ट। ऑफिसर बेकर पुल्स ऑन द ड्राइवर्स साइड ऑफ द स्टोलन व्हीकल। अब ऑफिसर जो आपका है कौन सा, ऑफिसर बेकर पुल्स ऑन द ड्राइवर्स साइड ऑफ द स्टोलन कार। बेकर जो है वो ड्राइवर के साइड यानी राइट साइड पे, ये यहाँ पे आ गया बेकर इस पॉइंट पे। एंड ऑफिसर लोपेज पुल्स ऑन द अदर साइड, तो वो अगर ड्राइवर साइड पे है तो वो दूसरे साइड पे गया, कौन, लोपेज, लोपेज आ गया इस साइड पे। व्हिच ऑफिसर इज़ डायरेक्टली बिहाइंड द व्हीकल, तो डायरेक्टली बिहाइंड व्हीकल के लिए कौन यहाँ पे है, दिस इज़ रीन हर्ट। सो ऑफिसर रीन हर्ट जो है वो डायरेक्टली बिहाइंड है व्हीकल के, तो हम इससे इसमें लिखेंगे कि ऑफिसर रीन हर्ट इज डायरेक्टली बिहाइंड व्हीकल। इसमें थोड़ा आप वो स्टेटमेंट वगैरह भी लिख लेंगे, जैसे एज ऑफिसर बेकर पुल्स अप ऑन द राइट एंड लोपेज ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्टोलन कार, रीन हर्ट टेक्स अ यू टर्न एंड टेक्स इनिशियल प्लेस ऑफ लोपेज, सो ऑफिसर रीन हर्ट विल बी डायरेक्टली बिहाइंड द व्हीकल। इसमें क्वेश्चन नंबर बी है, डिफाइन अ हिस्टोग्राम, हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड, व्हाट इंफॉर्मेशन मे बी डिड्यूस्ड फ्रॉम इट। तो यहाँ पे हम पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, हिस्टोग्राम।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल के फॉर्म में जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, हुज विड्थ, हुज विड्थ इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, whose width is equal to class interval and area is proportional to frequencies and area is to frequencies in the corresponding classes. ये सिंपली आप डेफिनेशन लिख सकते हैं किसका, हिस्टोग्राम का. उसके बाद क्वेश्चन में है कि हाउ इज़ इट कंस्ट्रक्टेड, तो कंस्ट्रक्ट करके आप एग्जांपल को यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्टिकली आप ये पॉइंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल पे भी कुछ पॉइंट्स हैं. अब लेट्स से जो है वो हम ट्रीज़ के हाइट्स हैं, डिफरेंट ट्री हाइट्स. अब 100 से लेके 150 तक ये समझे ट्रीज़ की हाइट इन सेंटीमीटर है हाइट, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ ट्रीज़ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज़. तो ऐसे जो है वो लेट्स से 20 ऐसे हैं ट्रीज़ जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर तक है. तो यहाँ पे जो है वो लाइन हम ड्रा करेंगे 20 तक, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया. तो इसका है कि 100 से लेके 150 तक, 150 सेंटीमीटर तक 20 नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं, ये 10, 20, 30, ये 40. और 150 से लेके यहाँ से पे आप कर सकते हैं 200, 250, 300, इतना इनफ है. 150 से लेके 200 तक जो है आपके लेट्स से 30 हैं, तो ये रेक्टेंगल बन गया. 200 से लेके 250 सेंटीमीटर तक ट्रीज़ की जो हाइट है, ऐसे ट्रीज़ आप लेट्स से 40 हैं, तो ये 40 तक जाएगा यहाँ से. और जो है 250 से लेके 300 तक जिनकी हाइट है वो लेट्स से अगेन 10 है, तो ये 10 तक जाएगा. तो ये आपका हिस्टोग्राम बन गया. तो कंस्ट्रक्ट ऐसे होता है. इसी क्वेश्चन में आगे इसने पूछा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज डिड्यूस्ड फ्रॉम इट, तो इसमें आप सिंपली लिख सकते हैं कि इट हैज़ टू एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, द रिटन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल्स, द फ्रीक्वेंसी इज रिटन ऑन वर्टिकल लाइन एंड द क्लास इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन. और ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसीज इन द करस्पॉन्डिंग क्लासेस, तो ये इंफॉर्मेशन आप उसमें लिख सकते हैं. आगे क्वेश्चन 8 का पार्ट सी है, इसमें एक सीक्वेंस गिवन है जो एक ब्लैंक है, हमें उसे फिल करना है. तो यहाँ पे जो गिवन है F2 कॉमा, यहाँ पे ब्लैंक है D8 कॉमा C16 कॉमा B32, ये गिवन क्वेश्चन है. अब ये हमें ब्लैंक फिल करना है. तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो कैपिटल लेटर्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं कि BCD, यहाँ पे E आएगा और उसके बाद F आएगा. और जो है जो नंबर्स हैं, नंबर्स आर डबलिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो 2 है, 4, 8, 16, 32. तो इसमें वो जो दो स्टेप हैं आप वो लिख सकते हैं,
स्टेप नंबर वन आप लिखेंगे द कैपिटल लेटर्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर द कैपिटल लेटर्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टेप टू इसमें है द नंबर्स आर डबलिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर द नंबर्स आर डबलिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा कि बी सी डी ई आएगा और टू के बाद यहाँ पे क्या आएगा फोर, तो ई फोर जो है वो इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन में पार्ट डी है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लैंड माइन इज रिटन एज पी वाई आर बी क्यू जी आर सी हाउ विल होम मेड बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। अब पहले हम लैंड माइन लिखते हैं कि वो कैसे कन्वर्ट हुआ है उसमें एल ए एन डी एम आई एन ई दिस इज लैंड माइन, वो कन्वर्ट किस में हुआ था पी वाई आर बी क्यू जी आर सी। अब लैंड माइन जो है वो इस वर्ड में कन्वर्ट हुआ, हमें फाइंड करना है कि होममेड किस में कन्वर्ट होगा। होम मेड ये किस में कन्वर्ट होगा। अब इसको आप जो है अगर ऑब्जर्व करें कोड को जो कन्वर्ट हुआ है एल के बाद आया है पी, तो इसको अगर ए बी सी को हम पढ़ें जे के एल एम एन ओ पी यानी चार जो है वो लफ्ज़ के बाद क्या आया है पी प्लस फोर। अच्छा इसमें क्या हुआ है कि ए के बाद वाई आया है तो ए से पहले आता है यानी अगर रिवर्स आर्डर में जाएं तो जेड और उससे पहले वाई तो माइनस टू जो है वो बैकवर्ड गया है। फिर जो है एन ओ पी क्यू आर तो प्लस फोर इसमें इंक्रीज हुआ है और इसमें जो है वो डी बी सी यानी टू जो है वो माइनस अगेन टू माइनस इसमें फिर से प्लस फोर माइनस टू प्लस फोर माइनस टू यानी फोर डिजिट्स फोर लेटर्स फॉरवर्ड टू लेटर्स बैकवर्ड फोर लेटर्स फॉरवर्ड टू लेटर्स बैकवर्ड फोर लेटर्स फॉरवर्ड इस सीक्वेंस से जो है वो इस कोड के थ्रू लैंड माइन जो है वो इस लफ्ज़ में जो है वो चेंज हुआ है। तो इसी कोड के थ्रू हम इसको कन्वर्ट करेंगे होममेड को। तो एच लिखा हुआ है तो एच के बाद क्या आएगा एच आई जे के एल तो इसमें क्या आएगा एल यानी प्लस फोर। अच्छा ओ अब ओ जो है वो इसमें जो है वो टू डिजिट्स हमें बैकवर्ड जाना है तो ओ से पहले जो है वो एन है और उससे पहले एम। अच्छा अब जो है ये माइनस टू हो गया अब फिर से जो है वो प्लस फोर करना है तो प्लस फोर एम के बाद एम एन ओ पी इसके बाद क्या आएगा क्यू। अच्छा फिर है ई तो यहाँ पे जो है वो प्लस फोर हो गया तो यहाँ पे फिर माइनस टू हो जाएगा तो माइनस टू करें ई से पहले क्या है डी है फिर उससे पहले क्या है सी वैसे ही जो है वो बाकी ये कन्वर्ट होते जाएंगे माइनस टू प्लस फोर माइनस टू प्लस फोर माइनस टू तो इसको हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं सी यहाँ पे आएगा क्यू और देन वाई देन
एच देन सी। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।